तो नामांकन को किसी को महागठबंधन के बाद इजाजत नहीं। कार्रवाई होगी गठबंधन के गठबंधन का सीट जो तय हुआ है, तो जो गठबंधन का धर्म है वही। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। महागठबंधन की प्रत्याशी अजीत शर्मा का आज नामांकन है भागलपुर में। ऐसे में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान पटना एयरपोर्ट से भागलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहीं बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव नामांकन कर रहे हैं और जिसको लेकर लगातार जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये आला कमान का फैसला हो गया है, महागठबंधन के प्रत्याशी वहाँ पर हैं, तो हम लोग तमाम जो नेता हैं वो महागठबंधन के सपोर्ट में महागठबंधन धर्म के पालन करेंगे और वहाँ बीमा भारती को जिताने के लिए कोशिश करेंगे। और पहले क्या कुछ करें हैं दोनों नेता पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं भागलपुर के, उनके नॉमिनेशन और उसके सभा में जा रहे हैं हम लोग। चार भाजपा का सफाया होने वाला प्यार, 400 पार की बात हो रही है, 400 पार और 40 पार ने बोला था कि मुंगेरी लाल का हकीम सपने देखने जैसा है। पप्पू यादव नामांकन करने आज जा रहे हैं। आला कमान का मुहर लगा हुआ है, महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया, वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को महागठबंधन के बाद इजाज़त नहीं। भागलपुर में गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा जी, उनका नॉमिनेशन है, तो हम सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष, हम दो MLA लोग सब वहाँ जा रहे हैं। गठबंधन का माहौल आहिस्ते आहिस्ते बिहार में जोर पकड़ा है। कल हम कटिहार में थे, कल किशनगंज में थे, आज भागलपुर में होंगे, हर रोज कुछ ना कुछ। पूर्णिया से क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी की आपकी पार्टी की नहीं हो हमारे गठबंधन के पूर्णिया के गठबंधन का सीट जो तय हुआ है, तो जो गठबंधन का धर्म है वही निभाना है। पप्पू यादव आपके कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के? जाहिर सी बात है कि मैंने क्या गठबंधन ने अपने कैंडिडेट्स तय कर दिए हैं, जो गठबंधन अपने अपने कैंडिडेट्स तय कर देते हैं उनके साथ ही गठबंधन के लोगों को रहना होता है। मैंने कहा कि 40 जगह पे गठबंधन के नेता तय कर दिए गए हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने 40 नेता को के लिए प्रचार प्रसार जिताने का। नामांकन करवाने जा रहे हैं तो कांग्रेस की कार्रवाई भी करेगी क्या उन पे? कह रहे हैं वो कांग्रेस, ये जब ऐसा सवाल आएगा तब आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं, वो और हो जाएगा क्योंकि देखिए सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज लंबा है, तो उसी समय में जो तमाम फेज है फेज वाइज हम लोग कर रहे हैं, ये सारी समीक्षात्मक बातें इस चुनाव के बाद होंगी। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बिहार में आ रहे हैं तो झूठ बोलने की और कितनी गारंटी लेंगे? बिहार के नौजवानों का, स्टूडेंट्स का पलायन जिस तरह से बिहार से बाहर हुआ है और जिसके साथ वो रहे, जिस सरकार के साथ वो रहे हैं, तो उस सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया है बिहार के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ? यहाँ का ग्रोथ रेट क्या है? यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं है, MSP का मामला यहाँ कभी तय नहीं हुआ, मंडी व्यवस्था यहाँ लागू कर दी गई, तो सारे जनता विरोधी काम का गहवारा बिहार में जो इनकी सरकार है उनके साथ मिलकर इन्होंने किया है, तो क्या जवाब देंगे जमुई में? 440 बात और परिवारवाद पर भी वो क्या जवाब देंगे? 400 पार और बिहार में 40 की 40। भाई देखिए, हम तो कोई 420 का बात नहीं करते हैं, हमारी आदत नहीं है। कांग्रेस कार्रवाई करेगी? मैं 420 वाली बात करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, व्यक्तिगत प्रहार भी नहीं करता हूँ। पॉलिसी के लेवल पे जनता को तकलीफ के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया है, उससे निजात हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन है और हम मैदान में हैं। पप्पू यादव पे कार्रवाई करेगी कांग्रेस?
तो जब सवाल ऐसा आएगा तब देखा जाएगा। अभी कबल अजमत क्या बयान दिया जाए, ऐसा ऐसा है ना कि यह सवाल तो उन दोनों के बीच में हो रहा है और मैं किसी और पार्टी का ब्रीफ लेके तो नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इंडिया गठबंधन में सब शामिल हैं, इंडिया गठबंधन के लिए 40 सीटें तय हो गई हैं, उसी के मुताबिक हम लोग काम करें। कांग्रेस के लोग पप्पू यादव को अपने दल में मानते हैं, कांग्रेस के लोग पप्पू यादव के साथ हैं या नहीं? समीर सिंह कह रहे हैं कि बिहार में सदस्यता भी नहीं ली आके पार्टी कार्यालय में, तो समीर सिंह जी ऑफिस में रहते हैं तो वो सही कह रहे होंगे। कांग्रेस क्या विधायक दल के नेता, तो ये आप लोगों का प्रश्न व्यक्तिगत सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन के साथ हो तो ज्यादा आपके फायदे की बात, तो ज्यादा फायदा के लिए जनता के फायदा का काम पॉलिसी मैटर है। हमने क्या कहा, 400 जगह पे गठबंधन का मामला तय हो चुका है, कांग्रेस पार्टी घटक दल के तौर पे 400 जगह अपने जगह व्यक्तिगत प्रश्न है, वो उनकी चाहत है, वो उनकी पसंद, आप रोक लेंगे क्या? चाहत और पसंद रोक नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ सशक्त तरीके से खड़ा है, ये है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर शकील अहमद खान को उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महागठबंधन का निर्णय है कि वहाँ पर राजद से जो उम्मीदवार है बीमा भारती, उनका हम लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन करना है, तो साफ तौर पर कार्रवाई करने की जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब समय आएगा तो कार्रवाई की बात होगी। लेकिन जिस तरह से बात करें कि पप्पू यादव हैं जो पूर्णिया लोकसभा से नामांकन कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी हैं जो बीमा भारती ने नामांकन किया है, और महागठबंधन में ही पप्पू यादव भी हैं जिस तरह से कहा जाए कि वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिए हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि उन पर कार्रवाई करने की बात हुई, तो क्या कुछ कहा दोनों नेता ने, आपने सुना? तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।